कोलकाता में पिछले माह कांग्रेस के तीन विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोनगाड़ी जब 49 लाख रुपए के साथ पकड़े गए तो पार्टी के ही एक विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने तीनों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी की। इसी आधार पर तीनों जेल भेजे गए, जो अब सशर्त जमानत पर छूट चुके हैं। तीनों विधायक फिलहाल रांची से 400 किलोमीटर दूर कोलकाता में ही रहेंगे। उन्हें हर सप्ताह स्थानीय थाने में जांच अधिकारी के समक्ष हाजिरी देनी होगी, लेकिन रिहाई के बाद तीनों का तेवर देखकर लग रहा है कि बात दूर तलक जाएगी। वही आज प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति की औपचारिक बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर द्वारा विधायक दो इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, विक्सल कोनगाड़ी को पार्टी से निलंबित करने का जो निर्णय लिया गया, उस पर अनुशासन समिति ने सहमति जताई है और कहा कि निलंबित विधायक को पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिनों के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया गया था, परंतु विधायकों ने अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया है, इसलिए वो अविलंब अपना स्पष्टीकरण ईमेल, व्हाट्सएप, कोरियर के द्वारा अपना भेज सकते हैं। उसके स्पष्टीकरण आने के उपरांत आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने प्रदेश में अनुशासन समिति नहीं बना था, और सबसे पहले हम लोगों ने अपने अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को और हमारे प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी को हम लोगों ने धन्यवाद दिया कि आपने कमेटी बनाया और हम लोगों को कार्यभार सौंपा है, और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि जिस काम के लिए हम लोगों को अनुशासन समिति में रखा गया है उस पर हम लोग सभी लोग खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और एक और निर्णय लिया गया है कि सभी जिला अध्यक्षों की इसकी सूचना दे दी जाए कि अनुशासन समिति का गठन हो गया है, और ऐसे तो कांग्रेस में अनुशासन तो है ही है, लेकिन जो भी अनुशासनहीनता करेंगे उसका उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और तीसरी बात, जो अभी आपने देखा कि हमारे तीन माननीय विधायक जो कोलकाता में गिरफ्तार किए गए थे CID के द्वारा, और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उन लोगों को 7 दिनों के लिए समय दिया था जवाब देने के लिए, और इस बीच उनको निलंबित किया गया था क्योंकि उस समय अनुशासन समिति का गठन नहीं हुआ था। अब अनुशासन समिति को गठन हो गया हुए अभी 5-6 दिन हुआ है, इसलिए उस मैटर को अनुशासन समिति में अध्यक्ष जी ने रेफर कर दिया है, तो ये सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया अनुशासन समिति के द्वारा कि चूँकि वो लोग भी जेल में थे और इसलिए हो सकता है जवाब नहीं दे पाए हों, इसलिए कि 2 लोग कल ही छूटे हैं, 1 परसों छूटे हैं, तो एक हम लोग फ्रेश 7 दिनों का समय दिया जा रहा है कि इस बीच आपका जो भी स्पष्टीकरण है वो स्पष्टीकरण 7 दिनों के अंदर अनुशासन समिति को प्रदेश कार्यालय में सौंपे, चूँकि वो लोग को ये भी बेल देने के समय कोलकाता हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि अभी 3 महीना कोलकाता से बाहर नहीं जाना है, तो इसके लिए हम लोग ने एक प्रावधान उनको दिया है कि वो चाहें तो स्पीड पोस्ट से, ईमेल से या व्हाट्सएप से भी अपना शोकॉज दाखिल कर सकते हैं, तो ये 7 दिनों का शोकॉज का ही उन्हें जवाब देना है, तो 7 दिनों में जो देंगे जवाब उसके बाद फिर हम लोग बैठेंगे। तो आज बस केवल यही निर्णय हुआ है, तो हम समझते हैं कि आप लोग को भी चूँकि पहली बार हम लोग अनुशासन समिति के रूप में मिल रहे हैं, तो आप लोग को भी बहुत बहुत शुभकामना, बधाई और धन्यवाद कि आप लोगों ने आकर
यहाँ कवरेज किया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।